हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो अभी अपने सेटअप देख के आप समझ गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम। अभी टाइम हो चुका है 5:30। ओके, और अभी हम निकल पड़े अपने एक शॉर्ट संडे राइड पे। और अभी हमारा आज का लोकेशन पुणे के पास ही है, जो हर कोई जाना चाहता है वहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ से जाना है बाड़मेर, वहाँ से दोस्तों को मिलना है। वहाँ से सारे दोस्तों को लेके हम निकल पड़ेंगे। वहाँ से शायद हिंजोड़ी फेज 1 से निकलेंगे अंदर, वहाँ से भी रास्ता है। अब इतना सब बता के आपको वो समझ में आया होगा कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं तामिनी घाट। ये देखो, दिस इज न्यू मॉडिफिकेशन जो करी मैंने किया अपनी बाइक पे। मतलब जो पुराने वाली लाइट थी वो ख़राब हो गई, क्या बताओ। उसका गारंटी वारंटी नहीं रहता ना, वो HJG का था, मैंने ड्राइव फॉग लाइट, और ये मैंने कल ही फिट किया। ये अराउंड मुझे पड़ा 1100 का। ये सामने देखोगे आप नौली ब्रिज, वहाँ से हमें लेफ्ट लेके यू टर्न लेके हाईवे से सीधा जाना है बाड़मेर की तरफ। और सुबह सुबह निकलने का एक ही मज़ा है, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं मिलता, तब आराम से निकलो, कोई दिक्कत नहीं। ये रोड देख के ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हुई है रात को। देखा, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। अगर आप दोपहर पे आओगे ना, 12 बजे 1 बजे, इधर गाड़ी घुसाने को जगह नहीं होती, समझ लो इतना ट्रैफिक रहता है। वो बात तो है, सुबह सुबह कई लोग घूमेंगे। हम ही एक निकल पड़े। तो मुझे यहाँ से वार जाने में 15 मिनट लगते हैं, सोचो। अभी मैं जाऊँगा 3 या 4 मिनट में, और नॉर्मली अगर ट्रैफिक रहेगा तो मुझे लगेगा 15 से 20 मिनट। मतलब सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर अंतर है, और वो पार करने में मुझे लगता है 20 मिनट। ये रोज़ का है, रोज़ का। अगर 8:30 बजे के बाद आओगे सुबह तो आपको फिक्स ट्रैफिक मिलेगा। अभी हमने शायद वारजी क्रॉस किया, और आप देख रहे होगे मैंने अभी राइडिंग जैकेट नहीं पहना। इसलिए नहीं पहना कि हम जा रहे हैं पास में ही, मतलब वहाँ इतनी ओवर स्पीडिंग तो नहीं होगी, और बारिश के भी चांसेस है, तो सोचा ना लूँ। तो ये वाला है चांदनी चौक। हमें तामिनीगढ़ जाने में यहाँ से भी रास्ता है, मतलब यहाँ से भी हम लेफ्ट लेके जा सकते हैं। लेकिन सीन ऐसा कि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो है आगे, जो कि है, एक है पाशन सूस रोड के पास और एक है हिंजोड़ी फेज 1 में लक्ष्मी चौक। तो सबको पिकअप करके जाना है अभी, क्या इसलिए हम आगे का रूट लेंगे, जो हिंजोड़ी फेज 1 हो के जाता है ना, वो वाला रूट। अभी का टाइम हो चुका है 5:48, और अभी हम पहुँचे पाषाण सूस रोड। वो देखो ये वाला, नीचे का 250 रूम है और ऊपर ऑफिस है। आता दिसणार पण नाही गाडी। ये देखो गाइस, ये सरप्राइज CB200। वो देखो गाइस, वो जो बाइक जा रहे हैं ना, वो है होंडा की CB200X। और बात ये कि आज उस बाइक का पहला दिन है राइड का, उसने अभी लिए, उसको 10 दिन भी नहीं हुए अभी बाइक लेके, वो दसरा पे उसने लिया था गाड़ी। ये देख रहे हो,
ये लेफ्ट साइड में जो है ये है मेट्रो वाली लाइन जो जाती है हिंजौड़ी। आता बघ गाड़ी उन्हात म्हणतो उजेड मध्ये परफेक्ट गाड़ी। तुम्हाला बोला प्रॉपर व्हिडिओ काढला असता व्यवस्थित। चलो मस्त दिसते गाड़ी माहिती गाड़ी एकदम परफेक्ट दिसते सुटते तुला गाड़ी थोडं जास्त साड गाडी चल भी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हम हिंदुरी छोड़ के जा रहे तामिनी की तरफ। क्या चल रहा है यार इनका क्या पता ग्राम पंचायत अंबट वेड पता नहीं अभी ये कहाँ ले जाएगा रास्ता शायद अच्छा हो आई होप। यहाँ पे बोर्ड लगा देखो कोकण दामिनी मुळशी गूगल मैप वो दाखवा जाना रास्ता चुकीचा है। अच्छा ओके इधर जाते चलो क्या जाओ को बारा इसलिए हमेशा लोकल से पूछो उसे बताएंगे आपको। उधर वो लगा भी है बोर्ड कि उस रास्ते से मत जाओ इस रास्ते से जाओ। इधर से भी थोड़ा बहुत रास्ता खराब मिलेगा आपको। पौड़ पौड़ गाँव है कुछ तो पौड़ पुलिस स्टेशन पौंड आता कधी उजेड गाडी देखो ये तामिनी की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मतलब जितने भी रास्ते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। अभी देखो ये पूरा सीमेंट का रोड बना हुआ है पूरा सोचो अब घाट सेक्शन में ऐसा रोड है आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको पूरे घाट में। वो देखो सामने बस भी जा रही है मतलब बस से भी आप जा सकते हो घूमना है तो आप बस से भी घूम सकते हो। और रोड देखो अभी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से यहाँ तक अभी तक अच्छी रोड है रोड में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात अच्छी है ना कि ये रोड सीमेंट की बनाई है तो ख़राब नहीं होती
देखो ऐसा रहता है घाट में, कुछ तो काम चल रहा है जेसीबी का। अबे एक्सीडेंट हुआ है ये तो। ये प्योर टारमैक रोड है देखो यार। और अभी तक देखा मैंने, बोला था वैसे, अभी तक एक भी वाटरफॉल नहीं मिला अपने को। शायद कमी रहेंगे क्योंकि बारिश का सीजन भी नहीं ना तो। और अभी टाइम हो चुका है 8:53, 9 बजने का है। अभी बहुत दूर जाना है, अभी अभी कुंडलिका का जो क्रॉस है वहाँ जाना है आगे। वो देखना तो बनता है, कुंडलिका देखना तो बनता है, कुंडलिका बहुत ही अच्छा सीन है वहाँ देखने को। क्या ही नज़ारा है देखो, मतलब हर तरफ हरा भरा ही दिख रहा है। अभी अपने पास एक चीज की कमी है, वो है ड्रोन। अगर ड्रोन होता तो सही रहता। देखो मैं ड्रोन का नाम लिया और वो कार पे वो ड्रोन वाला था, सही है। अगर ड्रोन आता तो बहुत अच्छा फुट जाता यहाँ का। कुंडलिका जाने का जो रास्ता है वो पता नहीं आगे है या पीछे है, देखना पड़ेगा रुक के कहीं तो। ये कहीं रुकते हो देखते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने रुक के देख लिया, नहीं तो हम बहुत आगे चले जाते। मुझे डाउट था कि वो पीछे रह गया। देखो हम ऐसे आगे जा रहे थे, अभी पीछे आ गए। ये वाला फट जाता है कुंडली का। होप की रास्ता अच्छा हो। 2060 में जब आए थे ना, पूरा खराब रोड था ये वाला, बहुत ही ख़राब। मतलब कि यहाँ आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। जो मुरुम रहता है ना, वो मुरुम का रोड था पूरा। कितने?
मिलने के निकला पर पर्सन की दिया 140 क्या तेरा कुंडी लियो ना तो काही तरी हां हे चालू नव्हते नव्हतं फक्त मनोज पवार एज किती पुणे पुणे आमच्या दोघांचं टाइम मिळणं अवघड आहे त्यात तो त्या दोघींचं टाइम मिळणं अवघड आहे की नाही मजा नाही तुझी मजा लग्न आधीच नाही तर काय आता बघ ना जर आपल्या आपण सुट्टी काढले आता जर मनोज म्हटला असता नाही नाही ह्याला पण घेऊन यायचं आपण हात जरा लग्न करायला जाता उशीर नको म्हणते लास्ट उशीर तू ज्यावेळी फोन केला ना सकाळी मला त्यावेळी स्वप्नात माझं लग्न चालू म्हणजे मोडलं का मी किती कुठली ते अभी वो लेट में देखा आपने वो थक गड़ू माची अभी अच्छा प्लेस है मतलब वो अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रहे हो ना तब आप आके यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो एक बार अपनी इंडियन क्रिकेट टीम भी आई थी यहाँ पे जो उन्होंने हमें बताया था ये देखो ये बस बंद पड़ी है अभी इधर अभी सीन ऐसा है हम आए देवकुंड पॉइंट की तरफ और हम सोच रहे हैं आगे जाने का देखते हैं आगे जाके आते हैं अगर कुछ पानी है Thank you.
पे तो अभी पूरा हो गया है और अभी निकल पड़ा हूँ मैं वापस वापस पुणे। और अभी बजा है 12 बजे। अभी अभी कैसा लग रहा है अचानक पहाड़ों में से शहर में? क्योंकि सीन ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि अभी बजा है 1:10 हो गए अभी और हम निकल पड़े सीधा रिटर्न पुणे की तरफ वापस। जितना घूमना था हमने घूम लिया, मतलब पूरा हमने घाट चढ़ के हम गए थे, उतरे थे उस साइड, फिर हम चढ़ के वापस आ रहे हैं। ओके तो चलो, वो दोस्त गए बानेर और हमको जाना है सीधा सातार की तरफ। मतलब सीधा मतलब चांदनी चौक से उस ब्रिज के नीचे से लेना है हमको राइट। मतलब मैं पहली बार जा रहा हूँ, मतलब मुझे इतना रास्ता पता नहीं है यहाँ का। सीधिया वाला है सीधा, आई गेस सातारा, यस सही है। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, मतलब पता है कि ये मतलब पहली बार मैं किसी को समझ में नहीं आता ये ब्रिज पे से कहाँ जाना है। कुछ नहीं, बस गाड़ी स्लो करके वो साइन बोर्ड पढ़ो, इतना दिक्कत नहीं आनी। देखो तो एग्जैक्ट 2 बजे, मतलब मैंने बोला था कि 2 घंटे तो लगेगा पुणे पहुँचने में और अभी हम पुणे आए सीधा पहाड़ों में से यहाँ। और अभी अब यहाँ आपको सिर्फ ट्रैफिक ही मिलेगा, कुछ नहीं। देखो ट्रैफिक का नाम लिया और ट्रैफिक हाजिर आ गए। क्या चला रहा है गाड़ी? ओके तो समझ गया, मतलब वहाँ से आके सीधा हमें हाईवे मिलना है। ये हाईवे लगा अभी सातारा हाईवे, सही यार। ये वाला सीधा हाईवे, मतलब ये सीधा सातारा जाता है और हमें जाना है नवली ब्रिज की तरफ। बस वहाँ से लेना है हमको लेफ्ट डाइवर्जन नवली ब्रिज से। ये देखो अभी हम पहुंच गए नोरे ब्रिज और अभी हमें यहाँ से ही लेना है लेफ्ट, अंदर की तरफ जाना है। I am conflicted, watching where I step still.